जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताऊंगा सरस्वती नारायण नदी के बारे में। दोस्तों आपने सुना होगा गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी, तो आज मैं बताऊंगा दोस्तों सरस्वती नदी। बाला जिले के शिवलिंग पर्वत से निकला हुआ और उद्गम हुई हुई नदी, जिसे हम लोग सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं, वही आसपास में घाघरा नदी का भी उद्गम हुआ, जिसे 175 किलोमीटर की यह लंबाई मानी जाती है, जो बीकानेर के हनुमानगढ़ के पास यह लुप्त हो जाती है और जाकर फिर सरस्वती नदी में मिल जाती है। दोस्तों हिंदू नदी सरस्वती नदी जो पौराणिक नदी मानी जाती है, जिसकी चर्चा ऋग वेद, यजुर्वेद और सभी महाभारत वेदों में वर्णित किया गया है, सबसे लंबी वर्णित किया गया है, जिसे हम लोग सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। सरस्वती नदी एक माता जी की नदी के नाम से जाना जाता है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा पूजा की जाती है। वही इसके आसपास में बहुत घने घने जंगल हैं, जिसे एक अनुभव और पर्यटक का क्षेत्र भी माना जाता है। आसपास में उपजाऊ मिट्टी जो उफान मारती है जब बाढ़ आती है, तो उसके साथ में एक मिट्टी की परत बिछ जाती है, जिससे उपजाऊ और उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि यह आसपास में अन्न प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह सबसे बड़ी कहानी जिसे सरस्वती नदी के नाम से लोग जानते हैं। यह एक सरस्वती नदी को कई नामों से जाने जाती है, जैसे पलवंती, रिदवंती, स्मृतिवंती, अन्नावती, उदवंती नदी के नाम से इसको लोग बहुत ही जानता है। कालांतर की नदी त्रिवेणी संगम, जिसे आसपास में जाकर यह मिल जाती है और एक संगम बन जाती है। कालांतर में यह तिरुवंती नदी नाम से लोग इसको जानते हैं। मनु संहिता की स्पष्ट है कि सरस्वती और दृष्टावंती नदी के बीच एक बहुत ही ज़्यादा भूभाग क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे मैदानी इलाकों के नाम से लोग जानते हैं। वही बता दूं दोस्तों, तो ये भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में यह नदी फैली हुई है, जिसकी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान क्षेत्रों में फैली हुई है। क्षेत्र भारत और पाकिस्तान की लगभग होती है। वही दोस्तों कृष्णावती नदी की एक अपनी क्षेत्र जो लंबाई 1600 किलोमीटर आंकी गई है, वही मील में 994 मील की लंबाई बहती है। उद्गम निरूपण सरस्वती ग्लेशियर क्षेत्रों में की जा होती है, जिसे शिवलिंग पर्वतमाला हिमालय उत्तराखंड के भारत क्षेत्रों में की जाती है। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें बड़ी बड़ी झील पाई जाती है, जिसे देखने का मनमोहक क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहती है। सरस्वती नदी की अपनी एक और कहानी है, जिसे लोग अपनी आँखों से देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होती है, देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं। दोस्तों मैं और आगे नदी के बारे में जानकारी दूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। धन्यवाद।